मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ, कैसी है तू? माँ, तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ, मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। साधु टीएल बासवानी की जयंती 25 नवंबर को देश विदेश में शाकाहार दिवस के रूप में मनाई जाएगी। माना जाता है कि शाकाहार अपने आप से जीवन में शुभ विचारों का संचार होता है। साधु टीएल बासवानी शाकाहार और संस्कारों के समर्थक थे। संत हिरदाराम नगर में साधु टीएल बासवानी की जयंती 25 नवंबर को शाकाहार दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस मौके पर सिद्ध भाव के मार्गदर्शन में जीव सेवा संस्था द्वारा संत नगर के विभिन्न स्कूलों में बच्चों के लिए जागरूकता सत्र का आयोजन किया जा रहा है। साधु वासवानी स्कूल में बच्चों को शाकाहार अपनाने और उससे होने वाले फायदे के बारे में बताया जाएगा। मांसाहार को त्याग कर शाकाहार अपनाने से जीवन में शुभ विचारों का संचार होता है। बहुत खुशी होती है कि संत जी ने जिस विजन के साथ इन स्कूलों को प्रारंभ कराया था और श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के मार्गदर्शन में, मैं कई वर्षों से निरामिष दिवस के अवसर पर बच्चों में ये जागरूकता और चेतना फैलाती हूँ कि एक बड़ी गलत धारणा है कि नॉनवेज खाने से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं या ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। और हर इस 25 नवंबर को, जो कि दादा टीएल वासवानी जी का जन्मदिन है, जिसको हम मीटलेस डे के रूप में मनाते हैं। साधु टीएल वासवानी की जयंती पर बच्चों को वीडियो के जरिए बताया जाएगा कि किस तरह असहाय जीवों को काटा जाता है और मूक प्राणियों की हत्या की जाती है। अभी से ही बड़ी संख्या में छात्र मांसाहार छोड़कर शाकाहार अपनाने का संकल्प ले रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना। ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना। ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। माँ कैसी है तू? माँ तू कैसा है? साल भर बाद देख रही हूँ तुझे। माँ मैं भी तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरी सेवा करना चाहता हूँ, पर इसमें मेरी क्या गलती? मध्य प्रदेश में नौकरियाँ ही नहीं है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो हम सब की है जिसने 15 साल से इस गलत सरकार को चुन रखा है, जिसने बच्चों तक को माँ बाप से दूर कर दिया। हर परिवार की यही पीड़ा है बेटा। सही बात है, गलती सुधारने का वक्त आया है। अब युवाओं को भी आगे आकर बदलाव लाने का वक्त आया है। बदलाव, बदलाव। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।